प्यारे दोस्तों, हम बता दें कि राणा प्रताप की मृत्यु किस त्यौहार के दिन हुई थी। सबसे पहले ये किसी को जानकारी बता नहीं थी, जो राजस्थान की आन बान शान है, राजस्थान की जो आन बान शान है राणा प्रताप की, जो है उनकी मृत्यु किस त्यौहार के दिन हुई थी, किसी के लिए लोगों को पता नहीं था, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि राणा प्रताप की मृत्यु जो हुई थी कौन से त्यौहार के दिन हुई थी। और के बारे में हम आपको बता दें सबसे पहले कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कौन से त्यौहार के दिन हुई थी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रागमल का चित्रकार कौन था, तो निसरुद्दीन। नेक्स्ट चलते हैं, निसरुद्दीन ने रागमाला किसके शासनकाल में तैयार की थी, तो अमर सिंह के शासनकाल में। महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई थी, 5 फरवरी 1615 में। महाराणा अमर सिंह का देवस्थान 26 जनवरी 1620 को कहाँ हुआ था, तो अहाड़ उदयपुर में। और सबसे पहले जो हम स्पेशल क्वेश्चन आंसर बताना जा रहे हैं, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्यौहार के दिन हुई थी। राणा जो प्रताप थे अपने राजस्थान की आन बान शान, उनकी मृत्यु है जो कौन से त्यौहार के दिन हुई थी, तो होली के दिन राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। महाराणा जगत सिंह ने कौन सा बड़ा दान किया था, रत्न धेनु सप सागर कल्प वृक्ष, तो सारे ही दान किए थे। नेक्स्ट, नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था, नागौर दरबार 1570 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद झील का निर्माण किसने किया था, जो राजसमंद की जो झील बनी थी उसका निर्माण किसने किया था, राज सिंह ने। नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब, किस सिसोदिया शासन ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जुवान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, राज सिंह ने। औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ, औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था, बी राज सिंह के साथ में, जो कि पहले औरंगजेब के साथ में होने वाला था, प्रस्तावित था उसका विवाह, फिर बाद में राज सिंह के साथ हुआ था। ऐसे ही हमने राजस्थान का कुछ जीके बताया, बढ़ाते रहिए राजस्थान की आन बान शान को, लोगों को बताते रहिए, स्टूडेंट को बताते रहिए, ताकि अपने जीके में फ़ायदा ले सकें। शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक जरूर करने की कोशिश करें।